वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हिंदी में होगा बिकॉज आज हमारे पास बहुत स्पेशल गाड़ी है जिसको मैं चला कर दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसको चलाने का अंदाज कैसा होता है। आप देख सकते हैं ये चेतक, बजाज चेतक है। ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी है ना, ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी। ये मेरा दोस्त है सागर, जिनके पापा की ये गाड़ी है और ये इनको रेगुलरली चलाते हैं इस गाड़ी को। और आज मैं रिव्यू के वास्ते यही बताने जाऊंगा कि इस गाड़ी को चलाने का अंदाज कैसा है और आज के ज़माने में ये गाड़ी बाकी गाड़ियों के मुकाबले कैसे टिक पाती है। आप देखेंगे बजाज चेतक का 4 स्ट्रोक वाला वेरिएंट है, 2 स्ट्रोक वाला नहीं है। और ये मैंने इससे पता लगाया क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2 स्ट्रोक वाले से अलग होता है। ये आगे से थोड़ी अलग दिखती है और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी डाइव है, तो ये सिर्फ 4 स्ट्रोक वाले वेरिएंट में अवेलेबल होता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी को चला के बताना चाहेंगे कि इसका फील कैसा होता है। तो इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन आपको अभी बता देता हूँ। ये 150cc इंजन है, 4 स्ट्रोक और ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी गाड़ी है, पर उसके मुकाबले भी अभी बहुत स्मूथ चलती है और काफ़ी अच्छी स्पीड भी पकड़ लेती है। तो आज कितना ले जा चुका टॉप स्पीड? 80 तक मेरा दोस्त इसको टॉप स्पीड को ले जा चुका है। पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मीटर में 120 लिखा है, पर घंटा भी 120 नहीं जाती है, सिर्फ 80 जा चुकी है मेरा दोस्त बोलता है। पर 15 साल पुरानी गाड़ी के लिए 80 जाने भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये फर्स्ट राइड नहीं है, मैं इसको पहले भी चला चुका हूँ और आप देखेंगे मैंने इसको कुछ साल पहले गिरा भी दिया था। आप देखेंगे फ्रेम टूटा हुआ है, तो ये मेरी गलती की वजह से हुआ था, मैंने इसको गिरा दिया था। पर हाँ, ये गाड़ी की कुछ बात ही अलग है। और आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेते हैं, जैसे निंजा 300 है, RC 390 है, यामाहा R3 है, तो उन लोगों को आसपास जाने के लिए एक नई गाड़ी चाहिए होती है, छोटी गाड़ी जिसको यहाँ वाले जा सकते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली गाड़ी खरीदें। और मार्केट में अभी भी सेकंड हैंड अवेलेबल होती है। ये वाली नहीं है तो मेरे दोस्त की है, पर और भी चेतक अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वहीं पर अवेलेबल होती है, तो पता नहीं ये रजिस्ट्रेशन और रिस्टोर होने के बाद आपको 20-25 हज़ार में मिल जाती, तो वो अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करने का अलग ही अंदाज है। ये लीजिए, इग्निशन ऑन कर दिया, पेट्रोल ऑन है ना भाई। ये लो स्टार्ट हो गई, ऐसे स्टार्ट करते हैं, मिरर को मत देखिएगा बहुत हिल रहा है, बट ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। कहाँ से जाना भाई? हाँ, तो अभी सेकेंड गियर में है। इसका गियर का सिस्टम बाइक से बिल्कुल अलग होता है। इसमें जैसे बाइक में 1 डाउन रेस्ट वाले अप होते हैं, इसमें 1 अप है, बाकी सारा डाउन है। तो ये एक अलग फीचर हो गया इस बाइक में। इसको चलाने का भी अलग ही मजा आ रहा है मेरे को, मैं बता नहीं सकता। देखो पैर में आप देखते होंगे कि मैं बाकी वीडियोज में जूते और ग्लव्स पहनता हूँ, इस वाले में मैं सिर्फ चप्पल पहन के आया हूँ, क्योंकि गाड़ी को चलाने का मजा इसमें ही है। आप चप्पल पहन के चलाएं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को अरे पुलिस वाला ये देख के सोच रहा होगा क्या हो रहा है। अरे वो देखिए, अरे 2 स्ट्रोक अंकल चला रहे हैं जी। ये देखिए 2 स्ट्रोक हमारे साइड में चल रहा है भाई। और गियर नहीं है क्या भाई? आप देखिएगा इस गाड़ी में फ्रंट ब्रेक बिल्कुल नहीं है, मैं दबा के रखा हूं तब भी नहीं रुक रही है कोई बात नहीं, हम लोग फुट वाले रेयर ब्रेक से ही काम चला लेंगे। आगे आवाज भी आ रही है गड्ढा के ऊपर जाने से, पता नहीं लूज होगा कुछ, बट ये गाड़ी को चलाने का अलग ही मजा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ अभी स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो मैं इस गाड़ी का आराम से मजा ले सकता हूँ। हम लोग अभी देखिए 40 पर हैं, अभी पिकअप भी अच्छा खासा ही है। हम लोग जा रहे हैं तब भी ये आराम से स्पीड पकड़ रही है। गड्ढे
और एक गाड़ी की सीट भी बहुत सॉफ्ट है, मैं बता देता हूँ, अगर आप बाइक पे यूजुअली बैठेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगी सीट, बट ये सीट बहुत सॉफ्ट है, इसमें बैठ के बहुत आराम मिल रहा है। अरे वाइब्रेट कर रहा है भाई। अरे 60 पे 60 पे। मजा आ गया, 60 पे जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने क्लच के वायर को चेंज करवाया था क्योंकि वो बहुत लूज था और अब वो काफी ज्यादा टाइट हो गया है। भाई इंडिकेटर किधर है? इंडिकेटर ही नहीं है, है ना? अरे पीछे क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, कॉज शीशा बहुत लूज है। सेंटर स्टैंड पे डाल दे, सेंटर सेंटर सेंटर। तो अभी मैं करीब करीब 10-15 मिनट तक इस गाड़ी को चलाया, कुछ 6-7 किलोमीटर तक। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं गया, बट एक स्ट्रेच में मैंने 60 पकड़ने की कोशिश की थी और मैं अच्छे से चला भी गया था। इस गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, 15 साल पुरानी गाड़ी के होने के हिसाब से इस गाड़ी का पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बता दूँ, इस सीट पर बैठने का कम्फर्ट कुछ और ही है। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चला लें, आप सुपर बाइक क्यों ना चला लें, इस गाड़ी का मज़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये उनसे बिल्कुल हटके और बिल्कुल अलग गाड़ी है। माइलेज कितना देती है भाई? माइलेज तो भी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि उसको 20 का माइलेज मिलता है और वो बोल रहे, चलिए अब आप 15 साल पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, पर अगर आप गाड़ी को पूरा रिस्टोर करवाते हैं तो मेरे को लग रहा है आपको 35-40 तक का माइलेज मिल जाएगा। अभी मैन्युफैक्चर नहीं होता है भाई। सेकेंड हैंड रिस्टोर करवाए के अब नहीं लेंगे तो फिर आपको 35-40 का माइलेज तो मिल ही जाएगा, बट चलिए अगर आप इतना ले रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ठीक ही है। और मैं आपको बीच में बताऊं मेरे को दिक्कत क्या हुई थी, मैंने इंडिकेटर डालने का सोचा था एक जगह पर टर्न लेते हुए, बट मुझे पता नहीं चला कि स्विच कौन सा है, तो बता दें कौन सा स्विच है। ये लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर है, हाई बीम, हाई बीम लो बीम का है। ये हॉर्न होगा, ये क्या है, हेडलाइट, हॉर्न की बात अलग है, आप सुनिए। जैसा कि आपने सुना, हॉर्न का साउंड गाड़ी को रेव करने के हिसाब से चेंज होता है, अगर आप ज़्यादा रेव करेंगे तो तेज़ बजेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बजेगा, और ये बैटरी के हिसाब से मुझे लगता है। बट तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मुंह दिखा दे भाई अपना वीडियो में, ये है मेरा दोस्त, इसकी गाड़ी है और ये एंटिक, मत बोल भाई, मेरे को चलाने में बहुत मज़ा आया। और मैं इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाके इसको फॉलो करें। इसकी वीडियो के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक प्रेस करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में आपको दिखूंगा, शायद अपनी बाइक पे या फिर मैं किसी और की गाड़ी चला रहा हूँगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आउट।